नेवी अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई किए थे उन लोगों का क्या कर दिया गया है, एडमिट कार्ड आ गया है। किसका किसका एडमिट कार्ड आया है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। SSR और AA और MR का क्या कर दिया गया है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है आपके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग के यहाँ भी इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप लोग देख सकते हैं, joinindiannavy.gov.in आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। दोस्तों मैं आप लोग को बताएंगे एक छोटा सा आर्टिकल के माध्यम से आप लोग को पूरी जानकारी देंगे कि आप लोग कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर का। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एकदम फुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग का क्या होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे आप। और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक है वह कहाँ पे मिलेगा आप लोग को, वह लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आप लोग को टेलीग्राम चैनल लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए आप लोग को मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। आप लोग इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड इंडियन नेवी अग्निवीर एडमिट कार्ड 2022। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। दूसरा स्टेप क्या है, या नहीं तो आप लोगों को नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा स्टेप ये भी फॉलो नहीं करना चाहते तो तीसरा स्टेप है, अब आपके सामने लॉगिन करने का विकल्प मिलेगा जहां पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे अब आपके स्क्रीन पर इंडियन नेवी अग्निवीर एडमिट कार्ड 2022 कभी कल मिलेगा। इस पर क्लिक करें जिसका आप लोगों को क्या करना होगा, आपके स्क्रीन पर डाउनलोड होकर स्क्रीन पर आ जाएगा एडमिट कार्ड, जिसका आप लोगों को क्या करना होगा प्रिंट आउट करके रख लेना होगा ताकि आप लोगों को जो एग्ज़ाम डेट दिया रहेगा आप लोग उस एग्ज़ाम डेट पर आप लोग जा सकते हैं। देख सकते हैं किसका किसका एडमिट कार्ड आया है, तो SSR और AMR का। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। जैसे ही एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे आप लोग, देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोग को यह लेकर चला जाएगा डायरेक्ट लॉगिन वाले पेज पे। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग को स्टेट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ये वाला कैप्चर डालने के बाद आप लोग को सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वह आपको लॉगिन वाले पोर्टल पर लेकर चल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा, तो दोस्तों फटाफट शेयर कर दो। तो मिलते हैं इसी अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।